मॉर्निंग गाइस, इट्स 6 इन द मॉर्निंग एंड वी आर रेडी टू रोल फॉर अनदर ट्रिप ऑफ आवर्स, अनदर वीकेंड एंड अ स्मॉल ट्रिप गोइंग टू अ स्टेट दैट इज़ फुल ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज. वैसे तो पूरा इंडिया ही ऐसा है यार, बट एक स्पेसिफिक स्टेट है जो जानी ही सीख ले जाती है. सो वी आर रेडी टू रोल, तो हम निकल रहे हैं. जा कहाँ रहे हैं रास्ते बताते हैं, ऑलरेडी हिंट दे चुका हूँ. दिल्ली के नियर बाय ही जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे. एक फेस्टिवल है वहाँ पे, वी आर गोइंग देयर. वी विल बी एक्सप्लोरिंग देयर कल्चर मोर, देयर ट्रेडिशन मोर. पसंद है मेरे को वो स्टेट काफ़ी, आपको भी पसंद आएगी होपफुली. चलते हैं, घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं. सो वी आर फाइनली रीच्ड टू पिक आवर पार्टनर फॉर द ट्रिप एंड हियर ही इज द पार्टनर इन क्राइम. हेलो भाई, क्या हाल है तुम्हारे? गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग भाई, आओ सामान पीछे रख दो. कौन कौन आ रहा है? कौन कौन आ रहा है? कौन कौन नहीं आ रहा है? वही हमेशा वाले जो नहीं आते वही नहीं आ रहे. वही नहीं आ रहे. जब ट्रिप स्टार्ट होती है तो वैसे होता है कि यार दो गाड़ी जाएंगी, तीन जाएंगी. हम एक गाड़ी में दो बंदे जा रहे हैं. मैं थार में, एक ये भाई थार में, वो भी मैं. ठीक है, एक तो ये वैसे इतना पेट्रोल पीती है, ऊपर से बंदे हैं. हमारा बजट तो सारा ट्रिप में क्या पेट्रोल में चला जाता है. हिल चुका पूरा. हाँ, सोच रहा था इकोनॉमिकल ट्रिप है, छोटी सी ट्रिप है. अब इसमें खर्चा इतना होगा ना दो लोगों का, कैसा लगेगा? कहाँ ही घूम के आए हैं हम. फ्लैट में चले जाते हैं ना. कोई नहीं, खैर जाना तो है. हम मन बना लिया तो जाएंगे, दो भी जाएंगे. चलो अभी सुबह सुबह उठे, थोड़ा ड्राइव कर ले, ट्रैफिक से बच लेते हैं, दिल्ली से बाहर निकल जाते हैं. फिर करते हैं उसके बाद. तब तो थोड़ी लाइट भी आ जाएगी, अभी लाइट कम दे रहा है पूरा. बताओ जी भाई, क्यों नहीं आया हमारे परीक्षित साहब? भाई परीक्षित जाएगा लड़की देखने. अच्छा. जो वो पिछले बहुत महीनों से देख रहा है. अच्छा. हमारे पास शादी के अलावा कोई टॉपिक ही नहीं है. क्या करें भाई, अब वो लड़की देख रहा है, किसी ने देख लिया है, किसी को रोक के होने वाले हैं. इनकी वजह से हो रहा है कलेजे जिंदगी में. ठीक है, वरना सही चल रही थी जिंदगी. सही बात है. तो आस पास ना जाओ तो मुंह ना ले, वो वाली आदत नहीं है. और जाओ तो घर पे बताना पड़ता है किसकी शादी है. अब एक दोस्त की हुई है शादी, तो उसके घर पे गया, आंटी बोलती बेटा अब कर लो, बेटा अब इसकी हो गई है. कर लो, क्योंकि जैसे अब इसका इंतजार कर रहे थे कि अगर इसकी किसी से नहीं हुई तो इसी से कर लेंगे. अब इसकी हो गई, अब तुम्हारा कुछ नहीं होता, तुम कर लो किसी और से. अरे भैया हमें करनी होगी, हम अपने आप कर लेंगे. तुम्हारे बेटे का इंतजार थोड़ी कर रहे थे कि ये करेगा उसके बाद करेंगे हम. तो भाई वो उन्होंने जिम्मेदारी उठा रखी है ना हमारी. जितने चल रही है, खुश है, घूम रहे हैं, नहीं शादी कर लो, कलेश करो, ऐसे कैसे खुश हो तुम? तो कब कर रहा है तू? फिर ये टॉपिक खत्म कर दे शादी करके. शादी बिल्कुल भाई, जल्दी 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 खबर आने वाली है. पेपर में आएगी. पोस्टर छपेंगे बड़े बड़े, लड़की के मना करने पे लड़कियां ने फिनाइल निकली नकली. घर वाले पीटे, घर वालों ने भी पीटा. फिर घर वालों ने फिनाइल की बोतल में रख रखा था, रू अब जा. आप भी धोखा मिला. ये दुख खत्म का ही नहीं होता है. बड़ा स्ट्रगल है यार लाइफ में. आप अपने कॉर्पोरेट सेक्टर के ना कमेंट्स ड्रॉप डाउन कर सकते हो नीचे, एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में हम डिस्कस कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, एक दूसरे गम बांट सकते हैं, दुख बांट सकते हैं, दुख बांट सकते हैं. क्योंकि अपने दोस्तों को तुम बता नहीं पा रहे, क्योंकि वो जज करते हैं, है ना? वो बोलता करता ही क्यों फिर? हाँ, जैसे हम कर रहे हैं अपने दोस्तों को. एंड दोस्त भी कहने को ही आजकल दोस्त है तुम्हारे. उनको अपने फैमिली के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, दोस्तों के लिए क्या मिलेगा? सच में दोस्त है तुम्हारे. थिंक अबाउट इट. हमें बना लो, ट्रिप पे ले चलेंगे. दोस्त हम भी नहीं बन रहे. ट्रिप पे चलने के लिए कंपनी दे सकते हो तुम्हें? बक करके तुम्हारा मूड थोड़ा ठीक कर सकते हैं. पर दोस्ती तो आजकल मिलना है यार बहुत मुश्किल. दोस्त ही नहीं मिल रही आजकल किसी को. तो यार लोग सोलमेट ढूंढ रहे हैं. यार सारे दोस्त नहीं मिल पा रहे,
तुम्हें सोलमेट चाहिए डिक्की में तो पांच बंदे बैठे डिक्की में दो ड्राइवर ही होने में भी होंगे पूरी ओवरलोड कर रखी है कहीं खाली ना रह जाए हवा की भी एक बच्चा तो गियर में बिठा रहा है वो भाई मस्त है वो तो भाई देख वो नहीं बैठेगा फील ही नहीं आएगी ड्राइवर को चला रहा है ब्रेक ले लेते 10-15 लगा लो है अब आधा घंटा दूर है आपके डेस्टिनेशन से अलवर पहुंचने वाले हैं अलवर ही जा रहे हैं वहां पे एक मत्स्य महोत्सव हो रहा है ऐसा अभी थोड़े दिन पहले पुष्कर में हुआ पुष्कर हम जा नहीं पाए थे एक्चुअली कुछ और कमिटमेंट्स की वजह से तो इस टाइम अलवर में हो रहा है चार दिन का एक मत्स्य फेस्टिवल बहुत उसके जा चुके हैं आज कल फोटो खींच ली थी भाई को इंस्टाग्राम के लिए खींच ली लड़की वालों को तो भेजने का अब क्रेज व्रेज है नहीं है सच लड़की वालों ने देख लिया इसे अब खिंचवा के कोई फायदा नहीं अब लाइव देख लिया इसको अब कुछ नहीं हो सकता अच्छी फोटो खिंचवा के अब तो ऐसा ही रहेगा बाकी भाई हमारा है स्मार्ट लोग विराट कोहली कहते हैं इसको आप ही बता देना डज ही लुक अलाइक विराट कोहली सस्ते वाला मतलब ऐसे 6-7 कॉपी टाइप ऐसे 360 व्यू दे देता हूँ मैं इसका ना आपको रुको रुको 360 व्यू दे देता हूँ इसका कहीं से तो लगेगा देख लेना है कोई बाल बाल तो मिल रहा होगा बस इतने ये शेड्स ना ये अक्षय कुमार वाले रेबैन वाले पहननी है वो नहीं पहनता कोहली बाकी तो ठीक है हाँ जी भाई तो चले फिर आगे आधा घंटा रह गया चलते हैं मत्स्य फेस्टिवल देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं राजस्थान का ट्रेडिशन इन्हें भी दिखाते हैं चलिए गाइस लेट्स गो लद्दाख वाली सीढ़ी नहीं देखी है जाके देखो पहली सीढ़ी जाके देखो अभी तक वो नहीं देखी यार आप सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब नहीं करते हो वीडियो देख के चले जाते हैं कौन भी व्हाटएवर इट इज अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है तो हम कहाँ जा रहे हैं ये जा रहे हैं हम मौसी रानी की छतरी और कोशिश पूरी कर रहे हैं और आ गया चौराया आ गया भाई फाइनली चौराया तो राजस्थान में ये नहीं पता लगता ना कि यही वाली महल है कि दूसरी वाली महल है सब एक जैसी है सब लोगों ने घर भी अपने महल के उसमें बना के शेप में सो फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन फर्स्ट डेस्टिनेशन नॉट डेस्टिनेशंस बट द फर्स्ट डेस्टिनेशन टू बी फ्रैंक दैट इज मूसीहारी की छतरी अभी छतरी पे पहुंचे नहीं है तो पार्किंग दिस इज द व्यू फ्रॉम द पार्किंग सो अभी हम है मूसी महारानी की छतरी में ये अलवर में एक मॉन्यूमेंट है वैसे आपको आर्किटेक्चर ऐसे मॉन्यूमेंट्स आपको राजस्थान में आई थिंक 25 से 30 किलोमीटर में मिल जाएंगे जो अपने आप में एक आर्किटेक्चर का बहुत ही ब्रिलियंट एग्जांपल होते हैं जो कोई इंटरनेट वगैरह नहीं होता था कुछ नहीं होता था तो भी हमारे एंसेस्टर्स ने ये सब चीज़ें बनाई हुई हैं टॉप पे मनसा देवी माता का मंदिर है वहाँ भी जाने की ट्राई करेंगे अभी वो ट्रैक है थोड़ा लंबा वाला विल ट्राई टू गो देयर एज़ वेल द वाइट मार्बल द रेड मार्बल द पिजन्स एडिंग टू इट इट्स ब्यूटी फोटोग्राफी स्किल्स देखेंगे लोगों की हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वी आर नॉट दैट बिग अ फोटोग्राफर और अ वीडियोग्राफर हम बस अभी सीख रहे हैं वी आर ऑन लर्निंग कर्व तो जहाँ से मिले सीख लेना चाहिए लाइफ में
जो भी सिखाए जैसे भी सिखाए, बिकॉज लर्निंग शुडंट बी स्टॉप्ड। जिस दिन लर्निंग रुक गई उस दिन हम रुक जाएंगे। लो आप लोगों के लिए रेनबो भी क्रिएट करा दिया है। माउंटेन चलते नहीं है, स्पेशल चलवाए गए हैं आज के लिए। ये हमारे बीएड की लास्ट ईयर की क्लास है जो आज हम घूमने ट्रिप पे हैं। ये हमारे सारे दोस्त क्लासमेट हैं। कहाँ पे आए हम? और राकेश महारानी के, मनोज, दिनेश, अभिषेक, इकराम, प्रिया, नैन्सी, प्रियंका, मनीषा, राखी, पूजा, और मैं दीवान। ये हमारी पूरी क्लास है। Sums up our short visit to Moosi Rani ki Chhatri. We'll explore more. पहले कुछ खा लेते हैं। सुबह 6 बजे निकले थे, कुछ खाया नहीं अभी तक। So first, let's eat something. क्रिकेट खेलेगा? मैच लगा ले। बड़े मैच लगाए यार हमने सुबह में क्रिकेट। अब बेस टिकाना ना अच्छा ही लगता। उस उम्र में आ गए हम, यहाँ बेस टिकाना सही नहीं लगता। बाप से मुड़ लेते हैं जहाँ लगता है ना बेइज्जती हो रही है। निकल लो भाई, कुछ नहीं कुछ नहीं, हम कुछ खाएंगे। चलो यार चलते हैं। तो आ गए हम गाइस, हम अपनी गाड़ी में वापस अपनी छोटी सी आउटिंग से, जो कि थी मूसी रानी की छतरी से। ठीक है, आप लोगों को दिखाया। अच्छी जगह है यार, पीसफुल जगह है। कहते हैं शाम को और अच्छी लगती है, लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती है ना तो फाउंटेन्स में और अच्छी लगती है। एंड नो डाउट लगती होगी, हमने एक फोटो देखी थी उसकी, बहुत ब्यूटीफुल सी थी। कमेंट से बता देना आपको कौन सी फोटो अच्छी लगी। अभी बज रहे हैं सुबह के 11, हम सुबह 6 बजे निकले थे। तो मैंने भाई को बोला घूम कुछ खाते हैं, घूमते हैं फिर रूम लेंगे। बट भाई नीड अ ब्रेक, नीड टू फ्रेशन अप। सो ही इज लाइक फर्स्टली हम रूम लेते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड, खा के फ्रेश फ्रेश हो गए, देन वील मूव फॉरवर्ड। तो अब चलते हैं, एक अशोका होटल है यहाँ पे, उसमें चलते हैं। वही बेस्ट दिखा रहा अभी तो, बाकी वहाँ पहुँच के देखते हैं क्या बेस्ट है क्या नहीं है, देन वील अपडेट यू। पास ही है सब कुछ, अलवर में पास पास ही है सब, 2-4 किलोमीटर में ही है, अदर देन भानगढ़ एंड सरिस्का। तो हम कोशिश करेंगे आज पूरा अलवर कैप्चर कर लें, और कल फिर भानगढ़ और सरिस्का कैप्चर करके वील हेड बैक टू दिल्ली। स्मॉल क्यूट सी ट्रिप हो जाएगी। बंदा क्यूट नहीं है मेरे साथ, बंदी होती क्यूट सी कोई तो और ज़्यादा क्यूट हो जाती। ठीक है, यही मनी मनी ये भी कह रहा होगा कि कहाँ इसके साथ फंस गया हूँ। सेम टू यू, पिंच करने वाला था अभी मेरे को, कह रहा सेम पिंच। पर मेरी मोटी चमड़ी है, मेरे को पिंच विंच होता नहीं। तो चलते हैं होटल फाइंड करते हैं, चेंज वेंज करते हैं। चेंज तो नहीं करना मेरे को, खैर मैं तो फ्रेश हो गया, फ्रेश होना है, ब्रेकफास्ट करना है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। और देखते हैं, कोशिश करेंगे अगर फ्री हो गए टाइम से तो शाम को दोबारा आते हैं, लाइटिंग वगैरह देखते हैं। पास ही है तो क्या दिक्कत है, आ जाएंगे। चलो सी यू।
रहा है, लेकिन ठीक है यहाँ पार्किंग वगैरह अच्छी बनी हुई है और होटल भी रेटिंग्स वगैरह हमने चेक करी है, काफ़ी अच्छी है। बाकी अंदर से भी चेक करते हैं, दिखाएंगे आपको। तो ये कुछ हमारा स्टे है। लड़के लड़के यार हम कहीं भी रुक जाते हैं वैसे तो, पर इशू ये है ना कि हमें थोड़ी बस हाइजीन वाला इशू है और तो कुछ नहीं। वी ट्रैवल नीट एंड क्लीन, बाकी रुकने का तो हम कहीं रुक जाते, कैंपिंग भी कर लेते आपको पता ही है। बस नीट वाला, नीट एंड क्लीन वाला बंदा आया नहीं है जो हमारे धवल साहब है वो और ज़्यादा कॉन्शियस इन चीज़ों के लिए अब ऐसी जगह पे यही होता है कि ऐसी छोटी जगहों पे ना कि आपको नीट एंड क्लीन रूम मिल जाए, खाना मिल जाए, हाइजीनिक, और हम ट्रैवल करते गाड़ी से तो एक पार्किंग मिल जाए, दैट्स ऑल वी नीड। अब थोड़ी देर बैठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, खाना वाना ऑर्डर करते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, फिर दोबारा निकलते हैं मार्केट में घूमने वगैरह। सिटी पैलेस है, सिलीसर लेक है, और वो कौन सा वो था हो अभी देखा था रास्ते में अपन ने, होप सर्कस जाएंगे, सिलीसर लेक जाएंगे, गवर्नमेंट म्यूजियम, सिटी पैलेस, और बाला किला है, बाला किला देखेंगे जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि सिटी पैलेस एंड बाला किला में सिटी पैलेस ज़्यादा बेटर है, तो सिटी पैलेस चले जाएंगे तो सेम चीज़ के लिए दोबारा क्यों जाएंगे। बाकी देख लेंगे, टाइम हुआ तो चले जाएंगे, हमारे पास क्या ही है करने को, घूमना है, शूट करना है, दैट्स इट। बाकी शाम को दोबारा से सोच रहे हैं कि वहीं चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? छतरी चले जाएंगे, मूसी रानी की छतरी। ठीक है, चलो मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद, सिया।